पटना में गांधी मैदान के पास एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज सुबह की यह घटना है। बताया यही जा रहा है कि सुबह गोली मारकर अविनाश नाम के इस कार्यकर्ता को मार दिया गया है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, क्या जानकारी? देखिए नेहा, ये सुबह तकरीबन 7:30 बजे की घटना है। अविनाश कुमार नाम का ये शख्स बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है उस इलाके का, सालिमपुरहरा इलाके का ये में रहने वाला है। और वहीं सुबह दो अपराधियों ने इसके घर के पास ही इसे गोली मार दिया है। सुबह इसे घर से बुलाया है और घर के बाहर ही इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि उस इलाके में बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है, लेकिन इस हत्या के बाद से निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हमलावरों के बारे में कोई जानकारी कुमार? देखिए ना, अभी तक कौन थे हमलावर, किस वजह से यह हत्या हुई, क्या ये आपसी रंजिश का मामला है या इसके पीछे कुछ और है, इस बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। आला अधिकारी, पटना के सीनियर एसपी, तमाम सारे लोग मौके पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। तफ्तीश की जा रही है। उम्मीद है कि कुछ वक्त बाद इसके पूरे डिटेल्स सामने आएंगे। जी कुमार, नजर बनाए रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि पटना में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दो अज्ञात हमलावरों ने उनके घर के बाहर उन्हें गोली मारी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।